हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और साल 2014 में यूक्रेन अपनी कमजोर आर्मी के चलते रशियंस के हाथों अपना क्रिमिया पेनिनसुला हार बैठा, जिसके बाद यूएस से मिले $2 बिलियन के एड और मिलिट्री ट्रेनिंग के दम पर उसने अपने स्पेशल टैक्टिकल फोर्सेस तक को डेवलप कर लिया। पर इसके अलावा आखिर यूक्रेन और क्या क्या हथकंडे अपना रहा है कि उसकी 8 सालों की ट्रेनिंग रशिया के 8 दशकों के एक्सपीरियंस को मात दे सकती है। क्योंकि रशिया के अनुसार तो प्रेजेंट क्राइसिस में यूक्रेन रशियन सोल्जर्स से बचने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या यूक्रेन इस ट्रिक से खुद के मुकाबले ज्यादा रशियन ट्रूप्स को घायल कर पाएगा? वेल, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस में सबसे ज्यादा फायदे में यूएस है, क्योंकि उसके आईटी और वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक दीस को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बट वेट अ मिनट, इस क्राइसिस का तो पीएम मोदी ने भी बड़ा फायदा उठाने की कोशिश की है, जैसे हम गेट फ्लाई वालों ने भी। वेल एनीवे, वो कैसे मैं बताता हूं आपको बिना किसी यहां वहां की बातें किए। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वेरियो टाइटल्स। हाउ इज यूक्रेन प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर? प्रिपरेशन नंबर 1, कॉम्बैटिंग डिफेंस सेक्टर करप्शन। 2014 में यूक्रेन रशिया के सामने वीक था, इसीलिए नहीं हारा। उसके हार के पीछे की वजह थी उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का करप्ट होना, और इस चीज को क्लियर किया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल केस रिपोर्ट ने, जिसमें यह चीज क्लियरली स्टेटेड है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेट ओन्ड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को ना प्रॉपर चेक किया जा रहा था और ना ही बैलेंस। हेंस इट रिजल्टेड इन डिफेंस बजट का सही से इस्तेमाल नहीं होना, आर्म्ड फोर्सेस में इनएफिशिएंसी आना, व्हिच एंडेड अप विद वॉर में हार। अब जैसे ही यह सब सच सामने आया, इस करप्शन को काउंटर करने के लिए लेट 2016 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यूक्रेन इंडिपेंडेंट डिफेंस एंटी करप्शन कमिटी नोन एज नाको बनाई, और इस कमिटी के बनने से यूक्रेन के स्टेट ओन डिफेंस कंपनीज में ग्रेटर ओवरसाइट यानी डिफेंस ट्रेड पर मॉनिटरिंग बढ़ गई, और प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। प्रेपरेशन नंबर 2, यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन्ड ऑन द लाइन ऑफ नेटो। द अटलांटिक काउंसिल के इस आर्टिकल से पता चलता है कि 2014 के बाद यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, रेडीनेस और प्रैक्टिकल स्किल्स में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट के कई सारे रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, यूक्रेन का अपनी आर्म्ड फोर्सेस को नेटो फोर्सेस के स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन एंड ऑपरेट करना। नंबर 2, नेटो कंट्रीज के फॉरेन एक्सपर्ट्स द्वारा यूक्रेन में मिलिट्री रिफॉर्म्स पर सेशंस कंडक्ट किए जाना, इन सेशंस का यूक्रेन के टॉप गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स द्वारा अटेंड करना, एंड लेटर ऑन इन सेशंस के टीचिंग से अपनी डिफेंस में रिफॉर्म्स लाना। नंबर 3, अपनी मिलिट्री के रैंकिंग स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट भी नेटो फोर्सेस के जैसे करना, यानी बेसिकली यूक्रेन अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए वेल एक्सपीरियंस नेटो फोर्सेस को एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अपने आप को मजबूत बना सके टू डिफेंड द रशियन मेजोरिटी एरिया ऑफ डॉनबास। लेकिन इवन इफ यूक्रेन इस रीजन को अपने अंदर जोड़े रखने के लिए जी तोड़ कोशिश करे, क्या उसके बाद भी वो डॉनबास में रहने वाले प्रो रशियन लोगों के दिलों में अपने लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट कर पाएगा? वेल, सिमिलर सिचुएशन जब इंडिया में पार्टीशन के वक्त खड़ी हुई थी, तब तो ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये लाइन कही थी कि इंडिया को जोड़ के रखने के लिए इंडिया का टूटना जरूरी है, जिसके बाद इंडिया को नापसंद करने वाले लोगों को पाकिस्तान के नाम से अलग देश देना पड़ा, ताकि आज का इंडिया यूनाइटेड रहे। पर ऐसे और भी किस्से हुए थे जिन्होंने इंडिया को इन सभी प्रोटेस्टर्स से बचने में मदद की है। इनफैक्ट इन किस्सों का जिक्र तो खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बायोग्राफी में किया है, जिसे पढ़ने का समय आई एम श्योर आप लोग के पास तो नहीं होगा, और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुकू FM ऐप, जिससे अब हजारों का खर्चा किए बिना सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट से लेकर करियर, मोटिवेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप और भी बहुत बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी बिना अपनी पढ़ाई से एक्स्ट्रा टाइम निकाले, क्योंकि इस ऐप पर हर किताब ऑडियो बुक के फॉर्म में है, यानी कि आप सुबह तैयारी करते करते, ट्रैवल करते करते कभी भी ईयरफोन्स डाल के दिमाग की बत्ती ऑन कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात, यहाँ पे आपको किताबें हिंदी जैसी लैंग्वेजेस में भी सुनने मिलेगी, और इवन ऑडियो समरीज भी टू फर्दर सेव योर टाइम। And no, जैसे मैंने कहा आपको हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट, ये सब आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ, यानी अगर आप अभी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हो या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड GETSET50 यूज करते हो, और फर्स्ट 250 यूजर्स को ₹399 की जगह पे ₹199 में मिलेगा, इतने में एक टाइम का खाना भी नहीं आता है। सो वेट कैसे, अभी डिस्क्रिप्शन लिंक का इस्तेमाल करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योर सेल्फ। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड लेट्स सी यूक्रेन का फ्यूचर कितना ब्राइट है। Preparation number 3,
मिलिट्री ड्रिल्स विद नेटो एंड यूएस। रीसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले 2021 में पूरे साल यूक्रेन ने यूएस फोर्सेज और नेटो फोर्सेज के साथ बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स अपने टेरिटरी में कंडक्ट किए, जिसका खुलासा खुद पार्लियामेंट ऑफ यूक्रेन ने किया था। अब देखा जाए तो यूजुअली कंट्रीज ऐसे मिलिट्री ड्रिल्स किसी वॉर सिचुएशंस की तैयारी में ही करते हैं, जो शायद यूक्रेन कर ही रहा था। प्रेपरेशन नंबर 4, यूक्रेनियन सिविलियन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। 25th मार्च 2021, यूक्रेन गवर्नमेंट ने यूक्रेन नेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इस लॉ डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसके अंतर्गत यूक्रेन ने टोटल डिफेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। टोटल डिफेंस पॉलिसी का मतलब वॉर के वक्त जरूरत पड़ने पर सिविलियंस भी आर्मी के साथ देश को बचाने में लड़ेंगे। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पॉलिसी के अडॉप्ट होने से पहले ही यूक्रेनियन सिटीजन्स ने वेपन्स के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। सिटीजन्स को वेरियस आर्मी ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स वीकेंड सेशंस और पैरामिलिट्री स्कूल्स द्वारा कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहे थे। एंड नॉट जस्ट एडल्ट्स, स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को अलग अलग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स के बारे में बताया और उन सब से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एंड बच्चे ही नहीं, बूढ़ी दादियों ने तक अपने देश को बचाने के लिए हथियार हाथ में ले लिए, जिन्हें वहां पर बबुश्का बटालियन कहा जाता है, जिसमें यूक्रेन की एजेड 60 प्लस वुमेन गन चलाने जैसे कॉम्बैट ट्रेनिंग लेकर लड़ती है। लेकिन अभी करंटली चल रहे इस वॉर में रशिया यूक्रेन को एक्यूज कर रहा है कि यूक्रेन ने इंडियन स्टूडेंट्स को इस वॉर में एज होस्टेजेस यूज किया है। हालांकि इंडिया ने इस क्लेम को डिनाई किया है, पर यूक्रेन को होस्टेजेस की जरूरत पड़ने का क्लेम करने के पीछे रशिया का इशारा यूक्रेन की वीक सिविलियन फोर्स की तरफ था। और अगर यूक्रेनियन फोर्सेस वीक है तो वो पीस की तरफ ना जाकर वॉर क्यों करना चाहते हैं? व्हिच मेक्स अस थिंक दैट हाउ यूक्रेन इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम द वॉर। वेल, प्रॉफिट नंबर 1, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड फ्रॉम द वर्ल्ड। यूक्रेन को करंटली चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से दुनिया भर से बहुत सारी मदद यानी फाइनेंशियल और मिलिट्री एड मिल रही है। दुनिया की मेजर कंट्रीज जैसे कि यूके ने अब तक 220 मिलियन पाउंड्स की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की है और ईयू द्वारा यूक्रेन के लिए 5 बिलियन यूरोस का पैकेज जारी हुआ है, जिसे यूरोपियन पीस फैसिलिटी कहा गया है। इस पैकेज के अंडर 500 मिलियन पाउंड्स की मिलिट्री एड भी शामिल है बाय द वे। एंड फाइनली यूएस ने इस क्राइसिस के चलते 350 मिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड यूक्रेन को दी है। वॉर के चलने से यूक्रेन की ट्रेजरी फाइनेंशियल एड से भर रही है। प्रॉफिट नंबर 2, डोनेशन इन बिटकॉइंस। 26 फरवरी 2022, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये पोस्ट अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट करते हुए क्रिप्टो करेंसी में फंड्स डोनेट करके इस वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करने की मांग की, जिसके बाद बीबीसी न्यूज से ये पता चला कि अराउंड 13 मिलियन डॉलर्स की मदद अब तक यूक्रेन को क्रिप्टो से मिली है। एंड वेल, लेट मी रिमाइंड यू हियर कि क्रिप्टो करेंसीज में सेंडर और रिसीवर को ट्रैक किया नहीं जा सकता। प्रॉफिट नंबर 3, वेपन्स विश लिस्ट बाय यूक्रेन। दुनिया भर से यूक्रेन को इस वॉर में फाइट करने के लिए बहुत सारे हाईटेक वेपन्स मिल रहे हैं, जैसे ए यूएस से जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, कोस्टल पेट्रोल बोट्स, हमवीज, स्नाइपर राइफल्स, रिकॉनिसेंस ड्रोन्स, रेडार सिस्टम्स, नाइट विजन एंड रेडियो इक्विपमेंट्स। बी वहीं पर ब्रिटेन से 2000 शॉर्ट रेंज एंटी टैंक मिसाइल्स और सी टर्की से बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स। इतने सारे हाईटेक वेपन्स मिलने के बावजूद यूक्रेन मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा है और अपनी वेपन्स विश लिस्ट रख रहा है, जिसमें वो यूएस से हेलीकॉप्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स और नॉर्वे से उसका नासाम्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और वहीं पर चेक रिपब्लिक से सेल्फ प्रोपेल्ड डाना आर्टिलरी सिस्टम मांग रहा है। प्रॉफिट नंबर 4, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर विनर एंड सिंपथी गेनर यूक्रेन। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, हर जगह, लिटरली हर जगह से यूक्रेन सिंपथी गेन कर रहा है, जो कि यूक्रेन के सिटीजन्स की हालत देख सही भी है। एंड यही रशिया के बारे में दुनिया अपनी एक नेगेटिव राय बना चुकी है। लेकिन रिटायर्ड CIA ऑफिशियल मार्क पॉलीमेरोपोलिस का कहना है कि वॉर होने के 2 हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की एक एफिशिएंट लीडर नहीं थे, लेकिन आज उनको चर्चिल लाइक फिगर बताया जा रहा है। और इस पर आगे उनका यह कहना था कि सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वेल, इन शॉर्ट, CIA ऑफिशियल मार्क ये कहना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की बहती गंगा में हाथ धो रहा है और अपने आप को फ्रीडम फाइटर या हीरोइक लीडर जैसे पोर्ट्रे कर रहा है। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस वॉर, चलो इस विषय पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फायदा तो सबका हो रहा है। नंबर 1, राइजिंग वेस्टर्न इकोनॉमी। आज के समय दुनिया के टॉप 10 वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक रशियन कंपनी एल्मस एंटे को छोड़कर बाकी सभी वेस्टर्न कंपनीज है, with 6 from the US and 1 from UK, France and Italy.
नाउ वैसे तो दिस इटसेल्फ कैन बी एन इंडिकेटर कि वेस्ट क्यों दुनिया भर के लफड़ों में लोगों का मसीहा बना फिरता है, जिसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, पैसे, पैसे काके पैसे। मिसाल के तौर पर एक तरफ जहां दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की मार झेल रहे हैं, वहीं यूएस के आईटी और डिफेंस कंपनीज इस क्राइसिस में भी करीब 28-58% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच यू कैन लिटरली सी इन देयर राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। यूएस के लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रमिन और जनरल डायनामिक्स, इन तीनों के ही स्टॉक प्राइसेस जब रशिया के मिलिट्री बिल्डअप की खबरें वायरल होने लगी, तब से लेकर अब तक यानी कि नवंबर टू मार्च के बीच रिस्पेक्टिवली करीब 31%, 25% और 16% से बढ़ी है, जो जमीन से सीधा स्पेस में पहुंचने जैसा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? Well, इस वजह से। From now on, we will annually invest more than 2% of our gross domestic product in our defense. पर आखिर यूएस की सरकार अपने इन प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को इस रशिया और यूक्रेन से जुड़ी आपदा को अवसर में बदलने क्यों दे रही है? आई मीन, क्या यूएस इस आग को इसीलिए हवा दे रहा है सो दैट वो इससे अपनी खुद की जेब भी सेक सके? Well, अब सच क्या है ये तो कहा नहीं जा सकता, बट हाँ, it is possible because see US ki defense industry at least 3.5 million logo ki employment ke liye responsible hai aur apni sarkar ko kareeban 7.2 billion dollars ke taxes provide karti hai, in which mind you maine employees dwara bhare jane wale taxes ko hi gina hai, yani technically is pure issue mein Ukrainians jo apni jaan gawa rahe hain wo to bas US ke khel ke mohre hain, एंड प्रॉबेबली यही रीजन है कि पुटिन के एक्चुअल डिमांड्स यूक्रेन से है ही नहीं बल्कि यूएस और नेटो से है। बट इस प्रॉफिट एंड लॉस से भरे खेल में क्या इंडिया के हाथ भी कुछ आएगा? क्या इंडिया में कुछ प्रॉफिटेबल हो रहा है? वेल, कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार हो सकता है कि क्राइसिस के चलते इंडियाज यूपीआई सिस्टम विल सून रिप्लेस स्विफ्ट। स्विफ्ट जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा था, इंटरनेशनल बैंक्स का एक मैसेजिंग सिस्टम है जिस पर कई इंटरनेशनल बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में मदद करती है। नाउ ये सिस्टम जब 1949 में बनाया गया था तब उसे इसी सोच के साथ बनाया गया था कि कोई भी देश इसे अपने पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। बट यूएस ने आज तक कभी इंटरनेशनल रूल्स को क्या माना है? कई यूरोपियन देशों के ऑब्जेक्ट करने के बावजूद भी यूएस ने 2014 में यूनिलैटरली ईरान पर स्विफ्ट सैंक्शंस लगा दिए, जिसका सिंपल सा मतलब है दैट ईरान की सेंट्रल बैंक स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो गई। अब क्योंकि प्रेजेंट इशू में भी यूएस वही मनमानी करना चाह रहा है अगेंस्ट रशिया, कई यूरोपियन देश भी इससे ना खुश है, जिससे हो सकता है कि वो स्विफ्ट की जगह नए क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढना शुरू कर दे, एंड मे बी, जस्ट मे बी, इंडिया का यूपीआई कैन प्रोवाइड टू बी देयर फर्स्ट ऑप्शन। और मैं बताता हूं ऐसा क्यों। इंडिया ने ऑलरेडी अपने यूपीआई सिस्टम को सिंगापुर के पेनाओ प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो इस साल जुलाई में शुरू होने वाला है। इसके शुरू होते ही लोगों को तीन फायदे होंगे। ए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसे रेमिटेंस कॉस्ट कहते हैं, वो 5% से महज 2% पर आ जाएगा। बी, यूपीआई एक मॉडर्न और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, अनलाइक स्विफ्ट जो कंपैरेटिवली पुराने सिस्टम पर चलता है एंड टेक्स टाइम। और सी, क्योंकि इंडिया हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाता है, उसके किसी कंट्री को बैन करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। अब वैसे तो यूपीआई के कंपटीशन में चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम CIPS और रशिया का सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस SPFS भी खड़े हैं, पर क्योंकि ये दोनों देश वेस्ट के राइवल्स हैं एंड अपने सिस्टम्स को डी-डॉलराइजेशन के प्रिंसिपल्स पर रन कर रहे हैं, ज्यादा चांसेस है कि ये यूरोपियन देश इंडिया के यूपीआई को ही चुनेंगे। खैर, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्विफ्ट को रिप्लेस करने में यूपीआई की मदद करेंगे? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखते रहने मिलेगा। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड द कुकू FM ऐप और ₹1 से भी कम प्रतिदिन में स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ, ताकि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सको। सी यू अनदर वन फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।